नमस्कार दोस्तों दोस्तों शुरू में समझने वाले हैं कि आप अपने WhatsApp के ऊपर दूसरे को एनिमेटेड स्टिकर कैसे भेज सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो चलते फिरते यानी कि ऐसे चलते फिरते हिलते डुलते जो स्टिकर होते हैं आप कैसे दूसरे को भेज सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आपको भी जानना है तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं सुरभ गैस चौबे और आप देखें मैं चाहूँ चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस प्रकार के स्टिकर दूसरे को भेजना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सब हिलते डुलते स्टिकर हैं जो भेज रहे हैं, मतलब इस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं सब, तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस प्रकार के स्टिकर आप दूसरे को भेज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाकर अपने व्हाट्सएप जो मतलब आपका जो व्हाट्सएप ऐप है उसको कर लेना है अपडेट। यहाँ पर देखिए मैं व्हाट्सएप को एक बार सर्च कर लेता हूँ, व्हाट्सएप मैसेंजर को। तो दोस्तों आपको WhatsApp मैसेंजर को सर्च कर लेना है, और सर्च करने मतलब जो आप WhatsApp यूज करते हैं उसको क्या करना है अपडेट कर लेना है। हालांकि मैंने अपडेट कर लिया है तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, इसको कर लिया हमने ओपन। दोस्तों यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद देखिए जैसे आप WhatsApp आते हैं, आपको जिसको भी स्टिकर भेजना है सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक कर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टिकर पहले भेजे जा चुके हैं। तो कैसे भेजे गए हैं दोस्तों, जैसे आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको इस इमोजी के ऊपर क्या करना है क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जो इमोजी नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्या करना है क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस प्लस के वाले आइकन के ऊपर आप करना है क्लिक, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टिकर आ गए, स्टिकर को समूह आ गया है। आप जिस स्टिकर को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर आपको जिस स्टिकर के साइड में आपको कुछ इस प्रकार का नज़र आया, यानी कि वो वीडियो वाला स्टिकर मतलब हिलते डुलते वाला स्टिकर है, ठीक है। जैसे कि इसके आगे देखिए ये नज़र आ रहा है वीडियो टाइप का, तो मतलब ये हिल सकते हैं, ठीक है, एनिमेटेड स्टिकर है बोले तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया। और ये सारे स्टिकर आप चेक भी कर सकते हैं किस प्रकार का मतलब रिएक्शन देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार रिएक्शन आएगा इसके ऊपर। यदि इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार रिएक्शन आएगा। तो चलिए इस पूरे स्टिकर को हम डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर चुका हूँ, जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको माई स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर सेव मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब स्टिकर आपको इसके अंदर आ चुके हैं। तो चलिए हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टिकर अपने आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर। और यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आते हैं इसके ऊपर आपको मतलब हमेशा क्लिक करके रखना है, और ये जो ऑप्शन आपने डिलीट मतलब डाउनलोड किया है उसके ऊपर आप लेके चले जाइए। अब देखिए सारे जो स्टिकर है आप यहाँ पर अब भेज सकते हैं, जो भी स्टिकर आप भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको भेजता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए स्टिकर चला गया, ठीक है। उसी प्रकार जो स्टिकर भेजना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे स्टिकर इस तरह आप भेज सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सारे स्टिकर जो हैं इस तरह हिलते डुलते आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और जब जब आप जैसे एक बार स्क्रीन को एक बार स्क्रॉल करेंगे तो इस पर एक बार मतलब स्टिकर पूरे एनिमेट होंगे, मतलब कि इस प्रकार हिलेंगे। देखिए मैं इसको मतलब हिलाता हूँ, वापस ऐसे क्लिक करता हूँ तो वापस मतलब ये थोड़े हिल रहे हैं। मतलब दोस्तों आप एनिमेटेड स्टिकर भी आप आराम से अपने WhatsApp के ऊपर किसी फ्रेंड को आराम से भेज सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको प्लस का आइकन नज़र आएगा, प्लस का आइकन पर क्लिक करके इस स्टिकर को जिस स्टिकर को आप रखना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी मतलब हिलते डुलते वाले स्टिकर है, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। जिसे डाउनलोड कर लेंगे आपको माई स्टिकर वाले ऑप्शन के अंदर वो अपने आप यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वापस एक स्टिकर का जो समूह है एक नया बन चुका है डाउनलोड करने के बाद में। बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद में हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का स्टिकर हमने जस्ट अभी डाउनलोड किया है। तो आप जिस स्टिकर को भेजना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ देखिए बाय वाला भेजते हैं तो देखिए हिल रहा है। तो इस प्रकार आप डाउनलोड करके दूसरे को स्टिकर आराम से भेज सकते हैं, ठीक। ये सारे हिलने वाले मतलब एनिमेटेड स्टिकर हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको सब चीज़ अच्छे समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि आप कैसे अपने WhatsApp के ऊपर दूसरे को एनिमेटेड स्टिकर भेज सकते हैं, यानी दोस्तों मैंने आपको बताया कैसे आप एनिमेटेड स्टिकर को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप उनको दूसरे को
भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।